हेलो एंड वेलकम एन ऑल, मैं हुमान, आप सभी का वेलकम करता हूँ नागपुर सेलेब शो। यहाँ हम उन आर्टिस्टों को बुलाते हैं जो नागपुर में कमाल करते हैं और पूरे हिंदुस्तान में अपना नाम करते हैं। आज मेरे साथ एक ऐसे इंजीनियर है जिन्होंने अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया और एक नए मुकाम की तरफ पहुँच चुके हैं, MJ टैटू। साथ ही मेरे साथ एक छोटे मोटे रैपर नहीं है, ये बहुत बड़े रैपर है। उम्र इनकी छोटी है लेकिन इन्होंने जो छोटी उम्र में कमाल किया है मैं आपको बता नहीं सकता। अनिश भाई, आपका भी वेलकम है BCN न्यूज में। और जानना चाहते हो MJ की टैटू आर्टिस्ट, ये एक नाम आजकल ब्रांड बन चुका है। हम सब कोई जानता है कि हर कोई अपने बॉडी पर एक बार टैटू जरूर बनाता है, मैक्सिमम लोग बनाते ही है। आपने ये सफर की शुरुआत कैसे की? बेसिकली मैं इंजीनियरिंग ही कर रहा था, मतलब मैं स्टार्टिंग बचपन से ही आर्टिस्ट वगैरह का वर्कआउट चालू था मेरा, मतलब एक आर्ट लेवल मेरे अंदर में आना चालू हो गया था। जेनेटिकली और इमेजिनेशन पावर मुझे गॉड गिफ्टेड है, तो ये सब चीज़ें धीरे 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 बचपन से ही शुरू हुआ। 6th स्टैंडर्ड पहुँचा, देन उसके बाद में फिर मैं स्केचिंग करना चालू करा, देन उसके बाद लोगों का मतलब चेहरा वेहरा बनाना चालू हो गया था टाइम पास में, और ऐसा करते करते बन गया आर्टिस्ट। अच्छा ये बताओ कि जब आप लोगों का चेहरा बनाए तो कितनी लड़कियों के चेहरे आपने बनाए? भाई ज्यादा गिनती है उतनी ज्यादा है। तो MJ टैटू लड़कियों के टैटू बना बनाकर, लड़कियों के स्केच बना बनाकर एक अच्छे टैटू आर्टिस्ट बन गया। ऐसा है ना, लेकिन गर्ल्स फेस में ना जो चामनेस और क्यूटनेस है ना, हाँ, वो ज्यादा एक आर्ट को फ्लो देता था। हाँ, हम तो पहले ही ऐसे हुए, रद्दड़ पैदा हुए, हम पत्थर लोग हैं, हम है ना, हमारे अंदर कोई चार्म नहीं है, कुछ नहीं है, हम ऐसे ही आ गए इस धरती पर। मैं एक एग्जांपल दूंगा, जॉ लाइन अगर गर्ल्स की बनाते तो एकदम हल्के से फ्लो जाता है, ठीक है, अगर जॉ लाइन बॉयज का बनाते तो वो फ्लो के साथ में ना खूब सारे डॉट्स आते हैं। ठीक है, ये बेइज्जती थी सारे बॉयज की, लेकिन MJ टैटू वन ऑफ द बेस्ट टैटू आर्टिस्ट मैं पहले कह सकता था नागपुर के, लेकिन आज हिंदुस्तान के। और सुनने में आया कि इन्होंने परमानेंट टैटू बनाया है। अनिश ने, आपकी पहली एज क्या है? मेरी 20 बने हैं अभी। और आपने परमानेंट टैटू बनाया है डिवाइन का और सिद्धू मूसे वाले का, मतलब दोनों, एक रैपर एक सिंगर का आपने परमानेंट टैटू बनाया, वो हम आपको जरूर दिखाएंगे। लेकिन मैं पहले आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या सोचकर आपने इन दोनों के टैटू अपने बॉडी पर बनाया, वो भी परमानेंट? वो दोनों मेरे आइडल्स हैं, डिवाइन भैया और सिद्धू मूसेवाला पाजी। उनको देख के मैं सीख रहा हूँ और उनकी स्टोरी लाइफ बहुत अच्छा है उनका, और उनके सॉन्ग्स मेरा मतलब मुझे ऐसा लगता था कि वो दोनों का कोलैब आना चाहिए, तो उनका कोलैब आ गया एक मूसे ड्रिला करके, तो वो पसंद आया। फिर मैं MJ भैया से बात किया कि मुझे टैटू निकालना है, और इसके पहले भी मैं मिला था इनसे, उसके पहले भी मैंने टैटू किया था, जब मेरे एक फ्रेंड के थ्रू मैं मिला था MJ भैया से, तो वहाँ पे मैंने टैटू निकाला था, तब से मुझे ये आर्टिस्ट पसंद थे, तो मैं अभी बोला था कि मैं निकालूंगा तो आपके पास से ही निकालूंगा टैटू, तो फिर उसके बाद निकाल लिया मैंने टैटू। उसके बाद निकाल लिया मैंने टैटू। अच्छा ये बताओ कितनी तकलीफों का सामना करना पड़ा, क्योंकि एक परमानेंट टैटू बनाने के लिए बहुत पेन भी सहना पड़ता है। तो आपने दो शख्स का चेहरा अपने बॉडी पर उतारा है, कितना पेन झेला? दर्द तो बहुत हुआ, लेकिन जब दर्द हो रहा था उसके बाद मैं जब देखता था कितना टैटू हुआ, उसके बाद मुझे सुकून मिलता था वो देख के, तो हो रहा है बस, हो रहा है। अच्छा ये बताओ, अगर सिद्धू मूसेवाला और डिवाइन अगर ये वीडियो देखते हैं तो आप उनसे क्या कहना चाहोगे? मैं उससे मिलना चाहूंगा उन लोगों से। हम जरूर कोशिश करेंगे कि आपका ये टाई हार्ट फैन, जब ये टैटू कंप्लीट हुआ था ना, आंखों में आंसू आ गए थे भाई के। क्या बात है, और मतलब वो देख के मेरे आंखों में आंसू आ गए। इतनी शिद्दत और इतनी मोहब्बत, कमाल है कमाल। आपको कितनी तकलीफों का सामना करना पड़ा, क्योंकि आपको एक चेहरा उतारना था किसी की बॉडी पर, तो कितना टफ था ये काम आपके लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल, पोर्ट्रेट वर्क इज नॉट अ जोक फॉर एन आर्टिस्ट। एक एक शेडिंग अगर मिस आउट होती है तो पर्टिकुलर फेस कट ही डिफरेंट शेप क्रिएट करता है, तो बहुत मैटर करता है। आप ग्रे वॉशिंग कर रहे हो, ग्रे शेडिंग कर रहे हो, आई थिंक ये सिर्फ आर्टिस्ट लोगों की लैंग्वेज है, शायद आप लोगों को समझ में आए या ना आए, आई डोंट नो, बट इफ़ यू गो थ्रू यूट्यूब एंड ऑल, देन आप लोगों को समझेंगे कि ग्रे वॉशिंग, शेडिंग्स, वाटर वॉश, ये सब चीज़ें क्या होती है। तो ये सारी चीज़ों को अगर प्रॉपरली नहीं यूज़ किया गया तो फेस कट कुछ और ही दिखता है। तो हर एक चीज़ों को मतलब एक एक पोर्शन, इतना इतना एक एक इंच को मेरे को एक एक दो दो घंटे लगे, ऐसा करके 35 दिन लगे ये टैटू कंप्लीट करने को। आप 35 डेज तक आपने रात दिन एक किया? ये मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट है, मतलब फर्स्ट आर्ट पीस है जिसको इतना टाइम पीरियड लगा एज एन टैटू। अदरवाइज वो वॉल आर्ट वगैरह को तो ढाई ढाई तीन तीन महीने लगते थे। बाप रे, दैट इज अ डिफरेंट थिंग।
लेकिन 35 दिन आप लगातार काम कर रहे थे और 35 दिन आपने वो दर्द झेला सिर्फ अपने दो फेवरेट सिंगर के लिए, कमाल है। मैं चाहूंगा कि आप कोई डिवाइन का कोई एक अच्छा सा रैप सुना दो ताकि मजा आ जाए। ठीक है, उनका एक गांधी मनी सॉन्ग है जो वो भी फेवरेट है मेरा, वो थोड़ा सुना दो। चल थोड़ा गिनती करते, कितने बोलते कितने करते, हाँ ये वो कृष्ण लड़का काली टोपी बिंदी सर पे, बात है इसकी उसकी घर का कभी बिल नहीं भरते, शेर बनता फिरता मिलने पर ये बिल्ली बंदे सिल्ली बंदे, तू एक्टिंग अच्छा करता या तो सही में मंद है, जो रैप में तेरे बोलता क्या वो सही में करता, तू अच्छे घर का अच्छे घर में रह, अच्छे घर से रहना मतलब सही ना बे, मैं तेरे जैसा नहीं ना बे, गाने ड्रॉप मेरे फैन सही में फाइल ला दे, व्यूज खरीदना अपना स्टाइल ना बे, हैरान रहे क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है, चलने वाले रुक जा बेटा सबको देना पार्टी है, लड़कियों के साथ अब पीछे पड़ा गांधी है, बाकी चेक करो आप उनका गाना यूट्यूब पर। और अपने प्रोजेक्ट यहाँ पर रिवील नहीं करना चाहता है, और सिद्धू मूसे वाले का बहुत बड़ा फैन है, डिवाइन का बहुत बड़ा फैन है, और मैं एमजे आपसे पूछूंगा कि इतने सारे आपने टैटू बनाया पूरे नागपुर शहर में, महाराष्ट्र में, इंडिया में, जब ये टैटू मार्केट में आया, जब आपने इसकी वीडियोस डाली तो क्या रिस्पांस मिला आपको? रिस्पांस की अगर बात करूंगा तो हार्डली 7 to 8 hours के अंदर में मुझे 10K व्यूज इन इंस्टाग्राम लाइव रील्स मिले हैं, ये जैसे अपलोड करे थे अभी तक, तो मतलब वो टैटू वो हील होने का ही था, हम लोग ने जैसे एक रील अपलोड कर दिए थे कि पहले हम लोग मूसे ड्रिला का ऊपर जो मैंने वर्कआउट किया था 3D वर्कआउट, उनका हम लोग ने एज एन टीजर बना के डाले थे कि हम ये एक चीज़ मार्केट में आने वाली है करके, देन आफ्टर दैट उनको जब मैंने टैग वगैरह किया था उन्होंने सीधा मतलब सिद्धू मूसे वाला सर जी का जो फैन पेजेस है उन्होंने खुद ने स्टोरी पे रखे, बहुत वो अलग बात है, अलग अलग वो मतलब मैं बातों से बयां नहीं कर सकता, क्या बात है, सुकून है, बहुत सुकून है। अच्छा आपको बड़े होकर भी रैपर ही बनना, मतलब फिलहाल तो बड़े हो चुके हो आप, अडल्ट हो गए हो, पबम में एंट्री मिल जाती है भाई को, और नहीं मिलती है तो बाहर अपना रैप सुनाते बैठते हैं, तो सारे पब के लोग बाहर आकर इनका ही रैप सुनते हैं, बस अभी म्यूजिक ही करना है, क्या बात है, आगे के प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं सरप्राइज देंगे, एकदम सब सरप्राइज देंगे। तो आप कुछ कहना चाहोगे सिद्धू मूसे वाले और डिवाइन से, क्योंकि आपने ये पूरा टैटू बनाया, इतनी मेहनत की है, एक्सपीरियंस जो मुझे मिला है ना सर के, जब मैंने इनका मैं कोई भी एक टैटू वर्कआउट करता हूँ, लाइक इफ आई एम वर्किंग इन अ स्टोन, तो स्टोन के अंदर की डिटेलिंग, वो सारी चीज़ों को नॉलेज, वो स्टोन कैसा बना होगा, ये सारी चीज़ें हमको जानना बहुत ज़रूरी है एज एन आर्टिस्ट। तो मैंने जब इनका वर्कआउट कर रहा था कि सिद्धू मूसे वाला सर, पहले हम लोग तो 1 या 2 घंटे तो पहले डिस्कशन ही होता है कि मतलब कोई भी टैटूज होते हैं ना उनका पहले ऐसे डिस्कशन होता है, क्योंकि वो परमानेंट होने वाला है जिंदगी भर के लिए, एक बार हो गई गलती तो फिर आगे जाके माफ़ नहीं मिलती, तो उनका जब मैंने देखा उसके बाद में जो इनके वे ऑफ जो उनकी जो जर्नी है वो चीज़ जो देखा वो जो इंस्पिरेशन है ना वो पूरे इंडिया के लिए है, और ना इंडिया के पूरे वर्ल्ड के लिए, जो जो लोग अपने आप को कुछ करके दिखाना चाहते हैं दे आर हेड्स ऑफ, ग्रैंड सलूट टू देम। क्या बात है, क्या बात है। और मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने सिद्धू मूसे वाला और डिवाइन, क्योंकि आप उनके बहुत बड़े फैन हैं, जब आप एमजे के पास आए तो आपको डर नहीं लगा कि एक भी गलती हुई तो सब कुछ बिगड़ जाएगा और ये परमानेंट टैटू है? नहीं, इससे पहले मैंने टैटू किया था इनके पास, और बेस्ट आर्टिस्ट है और कुछ बोल ही नहीं सकते इनके बारे में, मतलब वो जब मैंने देखा फेस में बोला वो देख ही रहे हैं, मतलब पीठ में मिरर में वगैरह देखता था, इतनी इतनी तारीफ पर है, इसने 250 रुपए लिया है ब्रांडिंग करने के लिए ऐसा कोई बात नहीं, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन बेस्ट आर्टिस्ट है, बेस्ट आर्टिस्ट। तो जाते जाते आप नागपुर के दर्शकों से और अपने फेवरेट डिवाइन से, सिद्धू मूसे वाले से और सभी से क्या कहना चाहते हो? एमजे आपसे शुरू करेंगे। सभी दर्शकों से यही कहना है कि बस मेरे पास टैटू बनाने आओ, वर्क कर रहे हो ना उसमें इतना फोकस कर लो, अपने आपको इतना घुसा लो, मतलब इतना डीप चले जाओ कि आसपास की जितनी मुश्किलें हैं ना, लड़की, घर, गाड़ी का टायर पंचर हो गया या मतलब वॉट एवर, जितनी भी जो भी सारी चीजें घूमती है आसपास में, अपने आपको इतना फोकस कर लो कि वो सारी चीजें ही निगलेक्ट हो जाए, आप बस उसमें खो जाओ, समय कब निकल जाए पता ना चले, दिन से रात कब हो जाए वो भी पता ना चले। क्या बात है अनिश, आप क्या कहना चाहोगे? 21 साल की उम्र और कमाल का टैलेंट आपके अंदर। पहले तो थैंक यू बोलना चाहूंगा, ये मेरा पहला इंटरव्यू है इसलिए मैं थोड़ा इधर उधर हो जा रहा हूँ लेकिन ठीक है, उनके बारे में ये बोलना चाहूंगा मैं जरूर मिलूंगा उनसे और जल्दी मिलने वाला हूँ, मेरे बात भी हुई है
क्या बात है, सिद्धू मूसेवाला पाजी है, उनके पास के कोई है, उनसे बात भी हुई है और अभी मिलूंगा, जल्दी मिलूंगा उनसे। क्या बात है, ये थे हमारे साथ एमजे टैटू। एमजे टैटू एक डांसर भी है और साथ में इन्होंने अपनी इंजीनियरिंग भी कंप्लीट की हुई है, साथ में अच्छी जगह जॉब भी की हुई है, लेकिन मन नहीं लगा था क्योंकि दिल में कुछ और था, सपने पूरे करना था और वो सपने, उनके पैशन को उन्होंने इस तरह निखारा कि आज पूरे हिंदुस्तान में इनका नाम हो गया है। मेहमान यहां से तो अलविदा, आप भी अपने सपनों को पूरा कीजिए, अपने अंदर की आग को जलने दीजिए। टिल देन देखते रहिए इनविजन न्यूज, सच दिखाए बिना छुपाए।